गंदी बात फेम फ्लोरा सैनी का हुआ यौन शोषण। बॉयफ्रेंड ने की शर्मनाक हरकत और तोड़ दिया था जबड़ा। फ्लोरा सैनी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने फेमस वेब सीरीज गंदी बात और फिल्म स्त्री में अपनी अदाकारी से लाखों लोगों का दिल जीता है। इसके अलावा फ्लोरा सैनी अक्सर अपने बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ऊपर हुए हिंसा को लेकर गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि उनका लीव इन पार्टनर कैसे उनका यौन शोषण करता था और उन्हें जान से मार डालने की धमकी देता था। उसने एक्ट्रेस को धमकी भी दी थी कि अगर फ्लोरा उसे छोड़कर गई तो उनके पेरेंट्स को मार देगा। दरअसल फ्लोरा सैनी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी के एक बुरे दौर को लेकर खुलासा किया है, जिसे याद करके वो आज भी सहम उठती हैं। फ्लोरा सैनी ने अपने साथ हुई घरेलू हिंसा और सेक्सुअल हरासमेंट पर बात की है। साल 2007 में फ्लोरा के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड गौरांग ने उनका यौन शोषण किया था। फिर साल 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस ने पहली बार इस बारे में बात की थी। फ्लोरा सैनी ने बताया कि जिस शख्स से शादी करने के लिए परिवार को छोड़कर घर से भाग गई थी, वही उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। एक रात उनके बॉयफ्रेंड ने एक्ट्रेस को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनके जबड़े तक तोड़ दिए थे। एक्ट्रेस ने बताया कि बॉयफ्रेंड के मारने के बाद जब वो घर छोड़कर जाने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी देता था। इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए फ्लोरा सैनी ने कहा कि एक रात उसने मुझे इतना पीटा कि मेरा जबड़ा टूट गया था। तब उसने अपने पापा की एक फोटो लेकर और मुझे वार्निंग दी कि मैं पिता की कसम खाता हूं कि मैं आज रात तुम्हें मार डालूंगा। जब वो फोटो फ्रेम को वापस रखने के लिए पीछे मुड़ा, तब उस एक पल में मेरे कानों में माँ की आवाज गूंज उठी कि बस भाग, मत सोचो कि कपड़े पहनने हैं या नहीं, पैसे हैं या नहीं, बस भाग। तब मैं वहां से भाग आई और अगले दिन परिवार के साथ जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आप बीती सुनाने के बाद एक्ट्रेस ने बाकी लड़कियों को भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने और दिल की सुनने की सलाह दी है।